स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोएट्री का लेसन 5 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ए लेमेंट और पी बी शैली इसके राइटर हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आप क्या कुछ और चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रिम्बलिंग एट दैट फेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर। इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन के अंत समय का वर्णन कर रहा है और यह भी बता रहा है कि अब उसका अंत समय तो आ ही गया है, साथ ही साथ अब आशा जैसी कोई चीज़ नहीं बची है, मतलब उसका मरना तय है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। कवि संसार को संबोधित कर रहा है, जीवन को संबोधित कर रहा है और समय को संबोधित कर रहा है। कह रहा है वो समय या वो संसार, वो जीवन और वो समय या वो काल, मैं तुम्हारे बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे आ चुका हूँ, मतलब संसार के आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाना या जीवन के आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाना या समय के आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाने से अभिप्राय है कवि का कि मैं जीवन के आखिरी चरण में आ चुका हूँ। ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे कांप रहा हूँ। इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है कि जीवन में जिन चुनौतियों का, जिन परेशानियों का, जो रोज़मर्रा के जीवन में आते हैं, मैं साहस के साथ सामना किया करता था, अब उन्हीं चुनौतियों, उन्हीं परेशानियों को देखकर मैं कांप रहा हूँ। When will return the glory of your prime, no more, oh, never more। कभी अपेक्षा कर रहा है कि जीवन, तुम्हारा जो यौवन काल था वो फिर से लौट कर कब आएगा। प्राइम, योर प्राइम से मतलब है जीवन का जो यौवन काल होता है या जब जीवन में स्वास्थ्य होता है, तो उस समय को हम जीवन का या लाइफ का प्राइम टाइम कहते हैं। तो जीवन, तुम्हारा जो यौवन है, स्वस्थपूर्ण जीवन जो है, वह समय कब लौट कर आएगा। और फिर खुद ही जवाब दे रहा है, नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं अब और नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी फिर अपने आप को बता रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब मैं दोबारा से स्वस्थ होने वाला नहीं हूँ, अब मेरी मृत्यु तय है। अब दूसरे स्टेंजा पे आते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माय फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि उसके जीवन की जो खुशियां हैं वो जा चुकी हैं और अब सिर्फ कष्ट ही कष्ट बचा है उसके जीवन में, और अब कोई आशा या कोई संभावना फिर से एक खुशहाल जीवन की नहीं बची है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, जीवन की जो, जीवन में जो दिन और रात खुशियों से भरे होते थे
वे समाप्त हो चुके हैं। मेरे जीवन की खुशियां जो मुझे दिन में मिलती थी या रात में मिलती थी, वे जा चुके हैं, समाप्त हो गए। Joy has taken flight, जीवन का जो आनंद है वह उड़ गया है, मतलब जीवन से आनंद समाप्त हो चुका है। Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight। बसंत का मौसम, बसंत का ताज़ा मौसम, जब चारों तरफ नए नए फूल, नई नई पत्तियाँ आ रहे होते हैं और सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। ग्रीष्म का मौसम या फिर जाड़े में जो बर्फबारी होती है, विंटर होर्स का मतलब जाड़े में बर्फबारी, ये सभी घटनाएं कभी मुझे अति प्रसन्न किया करती थी। इनको देखकर मैं रोमांचित हुआ करता था, खुश हुआ करता था, लेकिन अब यही सब मेरे कमजोर हृदय को झकझोर दे रही हैं। मतलब बसंत का ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो या जाड़े की बर्फबारी हो, इनसे अब मुझे खुशी नहीं मिलती, बल्कि इनसे अब मैं डरता हूँ, दुखी होता हूँ। नो मोर और नेवर मोर, अब और नहीं, अब कभी नहीं, मतलब अब तो जाना।